चीजें अभी हाल फिलहाल में ऐसी हुई हैं जो शायद अब तक की एक इतिहास। तो आंगनबाड़ी बहनों ने 4 अक्टूबर को रच लिया, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी सूचना दी हुई है कि जहां पर लाखों की संख्या में पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों ने दिल्ली में पहुंचकर सरकार की आंखों में आंखें डालकर अपना हक मांगा। लेकिन अभी आपको बता दें कि 48 साल के इतिहास में एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है जो आज से पहले पूरे देश में कभी भी कहीं भी नहीं हुई। दीपक कुमार जी के द्वारा भेजी गई एक लिस्ट है, मैं चाहूंगा कि पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनें इस लिस्ट को जरूर देखें। इसके बाद और भी कई राज्यों से आ रही आंगनबाड़ी की महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आइए इस लिस्ट को देखें। आपको बता दें कि ये जो लिस्ट है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने के संबंध में है। जी हां, कितने आंगनबाड़ी केंद्र खुले, कितने आंगनबाड़ी केंद्र बंद हुए, उसके संबंध में ये पूरी लिस्ट जारी की गई है। और 48 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र बंद हुए हैं। जी हां, 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र बंद हुए हैं। मैं चाहूंगा कि पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनें इस खबर को जरूर देख लें। आपको बता दें कि इस लिस्ट को हम पूरा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि लिस्ट पढ़ने बैठेंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस लिस्ट को हम पीडीएफ के रूप में अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे। जिन भाई बहनों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पर हम जो भी वीडियो जो भी पीडीएफ दिखाते हैं हम उसको अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल देते हैं, यानी कि पीडीएफ के रूप में वहां पर हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो जिन भाई बहनों को खबरों को पढ़ना होता है या फिर पीडीएफ के रूप में देखना होता है तो वो चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। तो आइए 1-2 जिलों के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। आपको बता दें कि ये बिहार से लिस्ट जारी की गई है और बिहार में आप सभी को पता है कि पिछले 8 दिनों से आंगनबाड़ी बहनें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किए हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिवान जिले के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो टोटल आंगनबाड़ी केंद्र है वो 3,840 है, जिसमें से टोटल AW से ओपन यानी कि कितने आंगनबाड़ी केंद्र खुले उसमें बताया गया है कि 2010, और टोटल आंगनबाड़ी ओपन होने के जो परसेंटेज बताए गए हैं वो बताए गए हैं 52%। इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों के संबंध में भी जानकारी दी गई है और टोटल बताया गया है कि नंबर ऑफ AWC प्रोवाइडेड टू बी स्कूल एजुकेशन यानी कि जो भी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो 1,071 है। इसी प्रकार से तमाम और भी जिलों की लिस्ट पूरी दी गई है। इस लिस्ट को हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर पीडीएफ के स्वरूप में डाल देंगे, तो जिन भाई बहनों को पढ़ना है वहां से जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस लिस्ट को भेजते हुए दीपक जी ने बताया कि ये जो ऊपर लिस्ट भेजी गई है वो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की रिपोर्ट है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के ओपन होने और बंद होने के विषय में बताया गया है। इन्होंने बताया कि पूरे बिहार में 1,14,988 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिसमें से पूरे बिहार में मात्र 10,429 आंगनबाड़ी केंद्र अभी चल रहे हैं, बाकी के 1,04,559 आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं, यानी कि बिहार की 91% जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं वो हड़ताल पर हैं। सिर्फ 9% आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अभी हड़ताल पर नहीं है। उसके बाद बताया गया है कि गीता जी का जो ग्रुप है वो भी 9/10/2023 से हड़ताल पर रहेगी, जिसका लेटर मुख्यमंत्री जी को गीता जी की अध्यक्ष पूनम जी के द्वारा भेजा गया है जो सब देख रही हैं, अर्थात 10/10/2023 से बिहार की सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगी। जी हाँ, अब जो आंगनबाड़ी केंद्र अभी खुले हुए हैं वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी मात्र 9% ही ओपन है, क्योंकि पूरे बिहार में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी महासभा का 1% भी सेविका सहायिकाएं मेंबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो है पूरी तरीके से अब आंगनबाड़ी केंद्र बिहार में बंद हो जाएंगे, यानी कि 1,14,988 आंगनबाड़ी केंद्र बिहार में बंद हो जाएंगे, यानी कि अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाएंगे। और जब तक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे और आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाएं बाधित रहेंगी। आप सोच के देखिए कि पूरे बिहार में 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र पिछले 8 दिनों से बंद हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाएं नहीं चालू हैं, लेकिन फिर भी सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार किस बात का इंतजार बढ़ाना है, उनकी मांगों को नहीं मानना है तो उसके लिए स्पष्ट बता दें, और अगर उनको आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को मानना है जैसा कि तमाम विधायकों के द्वारा बताया गया, इसके अलावा मंत्री जी के द्वारा भी बताया गया कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को जल्द बढ़ाएगी, तो अगर जल्द बढ़ाएगी तो किस बात का इंतजार कर रही सरकार? क्या 1 महीने तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे? क्या 1 महीने तक आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को पोषाहार नहीं मिलेगा? क्या 1 महीने तक इसी प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों को सड़कों पर रहना होगा? ये तो गलत है। अगर सरकार को आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के विषय में सोचना है, अगर उनके मानदेय को बढ़ाना है तो उनको जल्द से जल्द बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों की जो सेवाएं बाधित हो रही हैं।
आंगनवाड़ी केंद्र के जो लाभार्थी हैं उनके ऊपर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा और हमारी आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर भी इसका बड़ा प्रभाव होगा, क्योंकि आने वाले समय में यह भी देखने को मिलेगा कि जितने दिनों तक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हड़ताल पर थी उस दौरान का आंगनवाड़ी बहनों को मानदेय भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि जितने दिनों तक